नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बाबा वैद्यनाथ की पूजा करने दूसरी बार उनकी चौखट पर आ रहे हैं। इससे पहले 12 सितंबर 2019 में बाबा मंदिर में पूजा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे थे, जहां पर जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन और पंडा साथ ही धर्म रक्षिणी सभा ने उनका जोरदार स्वागत किया था। काफी तैयारी की गई थी और आज दो दिवसीय दौरे पर झारखंड के देवघर पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और अब बता दें कि इस दौरान उनके आवाजाही के लिए कृषि और पशुपालन मंत्री बादल भी वहां पर मौजूद रहेंगे। उनकी विदाई के समय भी काफ़ी मंत्री वहां पर उपस्थित आपको नजर आएंगे। साथ ही बता दें कि मंत्रिमंडल संवन्य विभाग ने देवघर के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को इनकी जानकारी देते हुए बता दें कि सचिव से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। और इसको लेकर विभाग के संयुक्त सचिव अखिलेश कुमार सिन्हा ने देवघर के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है। बता दें कि अमित शाह शनिवार आज और साथ ही रविवार को देवघर में ही रहेंगे। उनका दो दिवसीय देवघर का यह दौरा है, जो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 2019 के बाद अब अमित शाह आज देवघर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना की जाएगी और साथ ही इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की गई है। और देवघर में जिस समय अमित शाह पहुंचेंगे, तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। आम श्रद्धालुओं के लिए उस समय थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाएगा और इस दौरान तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। और बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से वे अपनी बात कहते हुए नजर आए थे और साथ ही कश्मीरी पंडित को लेकर उन्होंने काफी बात कही थी। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडित की पीड़ा को साझा किया था और साथ ही राहुल गांधी ने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पीड़ा को साझा किया जो कि कश्मीरी पंडित भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान कश्मीरी पंडितों के द्वारा जिस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से कश्मीर में इन दिनों काफ़ी कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी, जिसके बाद से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन तमाम तरीके की जानकारी दी जब कश्मीरी पंडितों को किस तरीके की समस्या होती है और किस तरीके से वे अब भी एक डर की स्थिति में जीने को काफ़ी मजबूर हैं। हरदोई के हरपालपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो पर भी टिप्पणी की है और कहा है कि बीजेपी होशियार पार्टी है, समय समय पर जिन बातों का जवाब नहीं देना होता है तो दूसरे दलों में आगे कर देती है। वही हरपालपुर में एक निजी कार्यक्रम में आए अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनावों से हुई बीजेपी की जीत पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए एक दूसरे को बधाई दे। मायावती के ट्वीट के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी होशियार पार्टी है, जो जवाब नहीं देना चाहती तो कभी कभी दूसरे दलों को आगे कर देती है। साथ ही कहा कि हमने भी 26 जनवरी का स्टेटमेंट देखेंगे तो हम समाजवादी के लिए सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो अधिकार देता है वही अधिकारी छीन ली जा रही है। साथ ही संविधान में कहा लिखा है कि भेदभाव करे, इस तरह की तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधती भी नजर आई है और इस दौरान उन्होंने बीएसपी पर भी तमाम तरीके के निशाने साधे हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ, पहले तो परिवार को मैं बधाई देता हूँ। कार्यक्रम कल था लेकिन आज आने का मौका मिल पाया तो मैं आज शामिल होकर के परिवार के लोगों से मिल रहा हूँ। साथ ही साथ मैं हरदोई के कार्यकर्ता, जहाँ से एक्सप्रेसवे से उतरा हूँ और इस गांव तक पहुँचा हूँ, मुझे जगह जगह कार्यकर्ता नेता मिले, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और एक कंपनी जो दावा करती थी अभी कुछ दिन पहले तक कि 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और आज जिन्होंने
चीजें जानी होंगी। जो मालिक दुनिया के नंबर दो पे था, हम आप सब उम्मीद लगाए थे कि हो सकता है 24 तक वो नंबर एक पर पहुंच जाए, आज सोचो 20 की सूची से भी बाहर हो गया। सवाल वैल्यूएशन का नहीं है कि वैल्यूएशन कहां से कहां हो गई, किस कंपनी की वैल्यूएशन क्या से कहां पहुंच गए हम। टैडोली में दबंग व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि टैडोली किला निवासी आशीष पांडे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया है कि 1 फरवरी को दोपहर के समय अपने घर के पास बैठा हुआ था, तभी भूपेंद्र और साथ ही उसके भाई हर सुनील गौतम द्वारा शराब के नशे में धुत होकर प्रार्थी के घर के अंदर घुस गए और भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, शराब पीने के लिए नायाज पैसों की भी मांग करने लगे। इसके साथ ही गाली गलौज करते हुए मौके से ही भाग गए, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घर से स्कूल के लिए निकला एक युवक पिछले 24 घंटे के अधिक समय से घर लौट कर नहीं आया, तो परेशान माता पिता ने अन्य परिजनों को इस मामले को लेकर पूछताछ की, साथ ही पुलिस को इस मामले की सूचना दी। जानकारी के मुताबिक धीरज सिरोठिया निवासी, बता दें कि नझाई बाजार रानीपुर थाना मऊरानीपुर जिला झांसी में 1 फरवरी को सुबह 10 बजे यात्रा मध्य प्रदेश का एक गांव में मौजूद स्कूल में पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन समय अनुसार लौटकर घर नहीं पहुंचा, तो वहीं परिजनों ने मोबाइल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाही तो धीरज का मोबाइल बंद आया। इसके साथ ही पूरी रात गुजर गई और बावजूद धीरज लौटकर घर नहीं आया, तो वहीं परिजनों ने माता पिता के द्वारा मामले से परिचितों और रिश्तेदारों और साथ ही पुलिस को अवगत कराया, तो वहीं पुलिस ने इस दौरान जांच पड़ताल की और साथ ही युवक का शव जाल में फंसा हुआ नदी के किनारे पाया गया है। वहीं युवक का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम समझ गया, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। दरअसल आवारा जानवरों के बचाने के लिए चक्कर में 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई है। दोनों कारों में टक्कर होने के बाद जल निगम के 2 अवर अभियंता सहित 4 घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मामला जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर मदरसा मोड़ के पास सड़क का है, जहाँ पर लड़ रहे 2 आवारा जानवरों को बचाने के लिए इनोवा और साथ ही स्विफ्ट डिजायर कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई है, जिसमें सवार जल निगम के 2 अवर अभियंता सहित ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जगतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां अवर अभियंता की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर किया गया है। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन की अनदेखी के चलते खान पान विभाग द्वारा रेल यात्रियों को जेबों पर डाका डाला जा रहा है। वहीं ओवरलोडिंग के कई वीडियो वायरल होने के बावजूद भी रेल प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर खान पान की वस्तुओं को प्रिंट रेट से 2 गुना ज़्यादा दामों में बेचा जा रहा है, जिसके चलते ओवर रेटिंग के वीडियो लगातार वायरल होती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद भी रेल अधिकारियों द्वारा विक्रेताओं के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं रेलवे स्टेशन पर हर स्टॉल पर सभी खान पान की वस्तुओं के प्रिंट रेट लिखे हुए हैं और साथ ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी यात्री प्रिंट रेट से अधिक पर खान पान की वस्तुओं को ना खरीदे और बिल की रसीद ना मिलने पर कोई भुगतान ना करे। बावजूद इसके भी रेल स्टेशन पर जमकर अवैध वसूली का कारोबार चलता नजर आ रहा है। तो जब भी प्रशासन के संज्ञान में आता है उस पे आर्थिक दंड लगाया जाता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। आप लोग उसको हाईलाइट करें, आप लोग उसे प्रचारित करें कि और लोगों को भी गाइड करें कि इस तरह की अगर कुछ चीज कर रहे हैं तो वो हमारे जो चैनल है कंप्लेन के, रेल मदद है, 139 है, ट्विटर है, उनके माध्यम से हाईलाइट कर सकते हैं। जब भी प्रशासन के संज्ञान में वो चीज़ आती है तो उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाती है। सर,
सर ऐसा ये जो अवैध वेंडर की समस्या है, हर मीटिंग में आप जो बात कह रहे हैं कि हम कंप्लेंट करते हैं 147 पे, आपका स्टेशन पे स्टाफ इतना है, आरपीएफ लगी है, हर आदमी तो लगा है, तो फिर आप भी पब्लिक का वेट करते हैं कि हम कंप्लेंट करें? जैसे जिस भी चैनल से प्राप्त होती है वो सूचना उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जिस भी चैनल से सूचना प्राप्त होती है, अगर आरपीएफ के माध्यम से, कमर्शियल स्टाफ के माध्यम से, या किसी भी रेल कर्मचारी के माध्यम से, या किसी भी पब्लिक के माध्यम से, उसके विरुद्ध जब भी लिखित रूप में, मौखिक रूप में, ट्विटर के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। जालौन जिले के प्रभारी कारगर मंत्री धर्मवीर प्रजापति जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर निरीक्षण के दौरान दवा और मरीज का आंकड़ा सही नहीं मिला है, जिसके चलते आंकड़ा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई है। अधिकारियों को तमाम तरीके के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री जी आज जिला अस्पताल आए, निरीक्षण किया, क्या किन व्यवस्थाओं को परखा है? हर चीज पर दृष्टि गई है, ऊपर अरे जो हाथ का लगा बाढ़ भी देखे हैं फिर हाथ, और अब यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं तो जो जो आवश्यकता होगी देखने की वो देखेंगे भी, और जहाँ सुधार कराने की आवश्यकता होगी वो सुधार भी कराएंगे। क्या कुछ खामियां मिली हैं निरीक्षण में या व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं? एक हमें ये रिकॉर्ड थोड़ा यहाँ इमरजेंसी में दवाओं का रिकॉर्ड, पेशेंट का रिकॉर्ड, क्या पेशेंट का क्या रहा और पेशेंट को दवा की देगी, दवा की थोड़ी वो एक लिखित में रिकॉर्ड नहीं मिला है, उसके लिए हमने कहा है कि अगली बार हमें देखने को नहीं मिले, रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास। यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिति द्वारा कासगंज के शारदा देवी जौहरी महाविद्यालय में एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई कॉलेज के छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के जनपद कासगंज के नोडल अधिकारी, पूर्व पुलिस महानिर्देशक और उत्तर प्रदेश प्रमोद कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी के कॉलेज के छात्र छात्र को सरकार की नीतियों से अवगत कराया गया है, साथ ही कहा गया है कि छात्रों को मालिक बनकर रहना चाहिए, ना कि किसी कंपनी में नौकर बनकर रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि छात्राएं किसी से नौकरी नहीं मांगे बल्कि लोगों को नौकरी दे। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं और अध्यापक मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में ये 10, 11, 12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट केवल लखनऊ में ही नहीं हो रही है बल्कि प्रत्येक जनपद में हो रही है। सरकार की जो सबसे बड़ी मतलब चिंता ये है कि हम जिन युवाओं के लिए सारे कार्यक्रम ला रहे हैं, जिन युवाओं के सेवा योजन के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए, उनको उनमें जो हम चाहते हैं कि वो किस तरह से हमारी योजनाओं का लाभ उठाएं, उसके विषय में ये प्रयास है कि प्रत्येक जनपद में जाकर जो वरिष्ठ अधिकारी या विश्वविद्यालयों के कुलपति जो सेवानिवृत्त हैं वो जाएंगे और विद्यार्थियों से इंटरेक्शन करेंगे, उनको बताएंगे। यूपी के फतेहपुर में आगामी अशांति फैलाने के लिए बनाए जा रहे अवैध शस्त्र की जानकारी मुखबिर के द्वारा पुलिस और एसओजी टीम को देने के बाद से मकान के छत के बयाने बताए थे कि बनाए जा रहे अवैध शस्त्र फैक्ट्री में छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में तमंचा, कारतूस, सशस्त्र बनाने का उपकरण बरामद किया है, ताकि दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पकड़ा गया शातिर अपराधी पर पहले ही कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और ये सशस्त्र आगामी चुनाव के बेचने के लिए बनाया जा रहा था। वहीं जिसकी अशांति फैलाई जा सके और खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए की नगद पुरस्कार में दिया गया है। थाना मलवा के बनई इनायतपुर के मजरे दुर्जा का पुरवा, वहाँ से एसओजी और थाना मलवा की पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इसमें 16 तमंचे, 12 बोर और
315 बोर के बरामद हुए हैं, ढेर सारे उपकरण, ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। इसमें संतोष विश्वकर्मा जो मेन अभियुक्त है, इस पर 9 मुकदमे पहले से भी हैं। ये पहले भी शस्त्र फैक्ट्री में कई बार जेल जा चुका है। एडीजी मेरठ जोन राजीव सभरवाल और साथ ही सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा के द्वारा आगामी रवि बता दें कि रविदास जयंती के दृष्टिगत चौकी नुमाइश कैंप से लेकर पुरानी चुंगी चौकी माली गेट और मोरगंज और मुख्य चौराहा साथ ही बाजारों में आवाजाही से संवाद स्थापित करते हुए पर्याप्त पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्र अधिकारी प्रथम बता दें कि क्षेत्र अधिकारी द्वितीय और क्षेत्र अधिकारी और देवबत मौजूद रहे हैं। ये हमारा जो पेट्रोलिंग है या रूट मार्च है, ये हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। आपने देखा होगा 26 जनवरी से पहले भी, तो ये एक तरह से पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का हमारा एक मेजर है, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन का। एक अभी आपने देखा, हम गए थे जहाँ पर, वहाँ पर पब्लिक से मिले, उनकी बात जानी। तो ये एक हमारा रेगुलर पुलिस का कार्य है जो हम कर रहे हैं, जो पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी मेजर है और एक साथ पब्लिक के साथ हमारी जो आपसी समन्वय है उसके लिए भी ज़रूरी है। साथ ही में ऐसे लोग जो अराजक तत्व जो इधर उधर जगह पे कोई गतिविधि अपनी करना चाहते हैं उसको भी कंट्रोल करने में सहायता होती है, बेसिकली हमारा ड्यूटी है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, सभी जुलूस जो हैं या जो झांकियां हैं उनके बारे में सबको सूचीबद्ध कर दिया है। एसपी सिटी, एसपी देहात, सारे सीओज, हमारे जो सभी थानों की फोर्स है, सभी लोगों से जो उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बातचीत हो गई है और सबके सहयोग से बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य वातावरण। बता दें कि सहारनपुर में रविदास जयंती को लेकर यह प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया है और इस दौरान प्रशासन लोगों को जागरूक करते हुए नजर आई है, अपील करते नजर आई है कि इस जयंती को काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। और इस बाजारों में आप तस्वीर देखें किस तरीके से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आगामी रविदास जयंती को लेकर ये प्रशासन की तरफ से सख्त तैयारी की जा रही है, लोगों को जागरूक करने की ये प्रशासन की जो मुहिम है ये लगातार रंग लाती भी नजर आ रही है। यूपी के शाहजहांपुर बता दें कि थाना कटरा क्षेत्र के ग्राम मडिया चक में बर्थडे पार्टी चल रही थी और इस दौरान इस समारोह में शामिल एक व्यक्ति खाना खाने जब जा रहा था तभी आरोपी अपना ई रिक्शा लेकर आया और ई रिक्शा निकालने को लेकर आपस में विवाद हो गया। तभी आप बता दें कि आरोपी ने चाकू से छेदालाल पुत्र सियाराम जो कि मीडिया मभोड़ी थाना कटरा पर वार कर दिया और इस दौरान वे फरार हो गया है, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये थाना कटरा क्षेत्र की घटना है। थाना कटरा क्षेत्र के ग्राम मुड़िया चक में कल एक बर्थडे का समारोह चल रहा था, लोग रोड पर खाना खा रहे थे, उसी वक्त आरोपी ई रिक्शा से आया, ई रिक्शा निकालने को लेकर आपस में विवाद हुआ, मारपीट हो गई। उसी दौरान आरोपी ने चाकू से मृतक पर वार कर दिए। इसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया जहां उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ में उसने अपने जुर्म का इकरार किया है। अब खबर उन्नाव से है, जहां पर बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बता दें कि आगरा से लखनऊ में जाते समय कार का टायर फंस गया और टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर दूसरी तरफ पहुंच गई, जिसके बाद से सामने से आ रही दूसरी कार सामने से भिड़ गई। दो कारों में भिड़ंत से मासूम समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए PHC और RAS भेजा गया है। वही हालत गंभीर होने पर लखनऊ भी रेफर किया गया है। वही औरास थाना क्षेत्र के लौधी टिकुर गांव का बता दें कि गांव के पास का यह हादसा पूरा बताया जा रहा है। बस एम्बुलेंस द्वारा 108 के 8 लोग आए थे, जिसमें से 4 ब्रॉडेड हैं और 3 पेशेंट जो काफी सीवियर थे, जिसमें से एक ड्यूरिंग इलाज के हमारे डेथ हो गई, बच्ची थी 9 साल के करीब, नाम उसका नहीं पता चल पाया है। और 2 बच्चे काफ़ी सीरियस कंडीशन पे, जिनको हमने मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र कर दिया है। एक बच्चा है सामान्य है, उसको हल्के हल्के चोटें हैं, उसको अपने मैंने भर्ती कर रखा है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।